नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो आपके पास गार्डनिंग करते हैं, ढेर सारे पौधे हैं पर टाइम की कमी है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो कंपोस्टिंग है काउडंग कंपोस्ट से लिक्विड मैन्योर बना पाए, आप उसको बार बार जाके चला नहीं सकते हैं। तो टाइम की कमी की वजह से अगर आप कंपोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, कंपोस्ट घर पे नहीं बना पा रहे हैं, और चूंकि पौधों को लिक्विड कंपोस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो उसका सॉल्यूशन है मार्केट से रेडी टू यूज कंपोस्ट आप लेके आइए और उसको 10 से 15 मिनट आप टाइम दीजिए और वो रेडी टू यूज होगा। आप अपने किसी भी प्लांट पे, चाहे इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, कैसा भी प्लांट हो, उस पर यूज कीजिए और उसका बेस्ट रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, मैं दो तरीके बताऊंगा, क्योंकि लिक्विड में भी है और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिलेगा ये, तो कैसे यूज करना है, क्या तरीका है, लिक्विड फॉर्म में कैसे यूज करें, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कैसे यूज करें, सारी चीज़ें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और इसकी मैं आपको लास्ट में रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है आपको। तो वीडियो में कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ, क्या है वो। तो वो है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र। अब सीवीड फर्टिलाइज़र है क्या, ये बनता कैसे है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये एक समुद्री शैवालों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है जो समुद्र में ढेर सारी आपको घास फूस या जो शैवाल जीवाणु दिखते हैं उनसे रेडी किया गया फर्टिलाइज़र है, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें होते हैं, और इसको रेडी किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, और इसको लिक्विड फॉर्म में भी, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है लिक्विड, और इस प्रकार देखिए ये ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आपको मिलेगा। तो दोनों ही फॉर्म में है, आप इसको किसी भी पौधे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रेगुलर अगर आप 20 दिन के अंतराल पर इसे यूज करते हैं तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा अपने आपके पौधों में। हाँ, कुछ पौधे हैं जिनमें इसको यूज़ करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा कंपोस्टिंग करनी पड़ेगी, जो हैवी फीडर है, जैसे आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ करने के साथ साथ काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें भी आपको रेगुलर यूज करते रहना है, तभी आपको उसमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो हैवी फीडर नहीं है, जैसे एरेका पाम हो गया, कड़ी पत्ता है, या फिर जो कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं तो, या डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, उनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं भी यूज करते हैं तो ये अगर सीवीड ग्रेन्यूल्स आप यूज कर रहे हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो ये आपको किसी भी और फर्टिलाइजर को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें यूज कैसे करना है। तो ये देखिए, ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसको आप मार्केट से, नर्सरी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये किसी भी ब्रांड का लीजिए, बस ये देखिए कि उसकी रिव्यू अच्छी होनी चाहिए, तो ब्रांड पे मत जाइएगा। और ये करीब 250 ml आपको 200-250 rupees में मिल जाएगा। तो इसको आपको यूज कैसे करना है, अब हम उस पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूज करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो बोतल पे ही लिखा होता है, तो मेरे बोतल पे है, करीब मैं दिखाऊँ आपको, देखिए 7 ml 1 liter वाटर में, तो 7 ml इसका हम लेंगे, तो 7 ml के हिसाब से ये मेरा करीब 2.5 से 3 liter पानी है। तो इसमें हम दिखाता हूँ मैं आपको, ये हम इसमें करीब करीब 20 ml के आसपास ले लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मार्क बना हुआ है, देखिए यहाँ बोतल, इस पर ढक्कन पे मार्क बना हुआ है, इस मार्क के हिसाब से हम इसमें ले लेंगे और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज करें तो कंटिन्यू नहीं यूज़ करना चाहिए किसी भी पौधे में, चाहे ये सीवीड हो, बनाना पील हो, ऑनियन पील, कोई फर्टिलाइज़र यूज करना है आपको तो उसमें करीब 10 से 12 दिन का गैप जरूर रखें दो फर्टिलाइज़र को यूज करने के बीच में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर तुरंत दूसरा फर्टिलाइज़र दें, हमारे प्लांट्स रेडी नहीं होते हैं इन चीज़ों के लिए, तो आपको गैप जरूर रखना है
दो फर्टिलाइजर यूज करने के बीच में। तो देखिए ये इसको अच्छे से सेक कर लें। सेक करने के बाद अभी हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी है। इसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसे डायरेक्ट आप सॉइल में डालिए, तो किसी भी सॉइल में जिसमें डालना है आप, करीब 100-200 ml गमले की साइज के हिसाब से इसको आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। खास करके 15-20 दिन के, अगर आप सिर्फ यही यूज कर रहे हैं तो 15-20 दिन के गैप पे आप इसको यूज कीजिए। आप कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी और फ्लावरिंग फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये मेरा विनका प्लांट है, सदाबहार प्लांट। हालांकि मुझे इसमें अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है और लगातार मिल रही है, करीब 2-3 महीने से लगातार ऊपर हो गए हैं और इसमें ये हमेशा फूलों से भरा ही रहता है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहला, अगर आपके किसी भी पौधे में फ्लावरिंग रुक गई है तो आप उसमें पहले तो NPK बैलेंस देखिए, फिर भी अगर फ्लावर नहीं आते हैं तो आप उसमें बनाना पील फर्टिलाइजर यूज कीजिए। और अगर बनाना पील फर्टिलाइजर यूज करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो मे बी उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स की कमी है, तो आप सीविट फर्टिलाइजर का यूज कीजिए और उसकी हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। 100% आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो तरीका हुआ दोस्तों मिट्टी में देने का। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं उसमें क्या करना है हमें, कि स्प्रेयर बोतल में हमें इस सॉल्यूशन को भरना है और अपने प्लांट्स पे स्प्रे करना है। सभी पत्तियों पे इसको स्प्रे करेंगे और स्प्रे करेंगे तो उससे पहले देख लेंगे पत्तियां साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्तियां साफ नहीं है तो स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये विनका प्लांट मेरा फ्लावरिंग स्टेज पे है, फिर भी हम इस पर स्प्रे कर लेते हैं। खास करके कोशिश कीजिए कि उन पौधों पे स्प्रे कीजिए जिनमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा अपराजिता का पौधा है, इसकी अभी हमने ट्रांसप्लांटिंग करी हुई है और इसमें देखिए आप नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। तो इस पर हम इसका सीविड का देखिए सॉल्यूशन स्प्रे कर रहे हैं, इससे इसमें जल्दी ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, कलियाँ आ जाएंगी और न्यू बर्ड्स जितनी भी आ रही हैं उनमें बहुत जल्द इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलने लग जाएगी। फिर दोस्तों अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है कि ये ग्रेनुलस फॉर्म में जो हमें सीविड हमें मिला हुआ है, या आप ये चूँकि आपको काफ़ी ज़्यादा चीप पड़ जाएगा, सस्ता हो जाएगा आपके लिए, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इसको यूज करने के लिए आप पॉट साइज़ के हिसाब से, अगर 10 इंच से ऊपर का पॉट है तो आप करीब मैं अगर मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो 2 चम्मच आप यूज कर सकते हैं, और अगर 8 इंच का पॉट है या उससे छोटा है तो 1/2 चम्मच या 1/2 चम्मच यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरा लंटाना का पौधा है और ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो मैं इसमें 2 चम्मच दूंगा जो हमारा सीविड ग्रेनुलर फॉर्म में फर्टिलाइजर है। तो इसके हमें गमले के चारों तरफ इस प्रकार से डाल देना है और डालने के बाद इसको हमको गुड़ाई करके इसको मिट्टी के अंदर जो भी ग्रेनुल्स हमने दिए हुए हैं ये ऊपर की सतह पे नहीं रहना चाहिए, इसको मिट्टी के अंदर दबा देना है, हल्की गुड़ाई कर लीजिए और इसको जितने भी ग्रेनुल्स हैं सबने मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और फिर इसमें कर दीजिए आप वाटरिंग। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हैवी वाटरिंग नहीं करनी, नॉर्मल वाटरिंग करनी है। बाकी कंपोस्ट में हम कहते हैं कि कंपोस्टिंग करने के बाद अच्छे खासे वाटरिंग कर दें, पर इसमें हमें नॉर्मल वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। फिर ये ग्रेनुल्स रूट्स में जाएगा सीधे और वहाँ से डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होके अपना काम करना स्टार्ट करेगा। देखिए जो भी सीविड का जो काम होता है, मेन काम मैं बताऊँ मिट्टी में रूट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छी बैक्टीरिया होते हैं हमारी मिट्टी में, उनको ये एक्टिवेट करता है और वो रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो जब आपके रूट सिस्टम में कोई आपको खामी नज़र आए, कमी नज़र आए, तो आप एक बार ज़रूर सीविड ग्रेनुल्स यूज कीजिए अपनी मिट्टी में। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूँ कि वो आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको आखिर में और बताऊँ कि अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं है इसका सीविड का, तो आपके पास अगर ग्रेनुल्स हैं तो उससे भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच
आप सीवीड ग्रेनुअल्स का यूज कीजिए और उसको 5 घंटे के लिए भिगा के छोड़ दीजिए, उसे एयरटाइट मत कर दीजिए, बस पानी के अंदर डाल के 1 लीटर पानी में उसको छोड़ दीजिए और उसको फिर आप अपने प्लांट्स पे एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।